एक ऐसी ट्रेन जो चलती है पानी से, और सोनी कंपनी ने अपने एक कैमकॉर्डर अचानक बंद क्यों कर दिए, और आखिर कैसे ये बच्चा पी जाता है दिन में 40 सिगरेट, बताएंगे वीडियो के अंत में। Facts on your face. फैक्ट नंबर 9, आपने ट्रेनों में सफर तो खूब किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जर्मनी ने ट्रेन का एक ऐसा इंजन बनाया है जो डीजल के बजाय पानी से चलता है। असल में जर्मनी एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस है, और यही वजह है कि इस बार इस देश ने टेक्नोलॉजी के इतिहास को ही पलट के रख दिया। खास बात यह है कि यूरोप की सबसे बड़ी रेल कंपनी अल्स्टॉम ने जर्मनी के साल्ज़गिटर में कोरेडिया इलिंट नाम के इंजन को बनाया है, जो हर दिन जर्मनी के लोअर सैक्सोनी के ब्रेमर वोर्डे में हर दिन 100 किलोमीटर का सफर तय करेगा। दरअसल इस इंजन में फ्यूल सेल्स लगे हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे इस ट्रेन की कुल रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने सुलगते अंगारों पर चलने वाले करतब तो खूब देखे होंगे, जिसमें लोग नंगे पांव अपने तलवों को छालों से भर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी लड़की भी है जिसने उबलते हुए ज्वालामुखी को पलक झपकते ही पार कर लिया। जी हाँ, असल में ब्राजीलियन फिजिशियन करीना ओलियानी ने साइंस को चैलेंज करते हुए इथोपिया के ईटा एले नाम के उबलते ज्वालामुखी को 1187 डिग्री सेल्सियस के बावजूद रस्सी से पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि पेशे से डॉक्टर करीना ब्राजील की एडवेंचरर है। इन्होंने इससे पहले माउंट एवरेस्ट को 2 बार उत्तरी और दक्षिणी तरफ से जीता है, और आप शायद जानकर दंग रह जाएंगे क्योंकि करीना ने एनाकोंडा के साथ गोते भी लगाए हैं। इसके अलावा विमान के विंग पर खड़ी होकर इन्होंने आसमान में उड़ान भी भरी है, लेकिन इन्होंने इस बार जो किया वो वाकई इम्पॉसिबल था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ऑफिस हो या स्कूल कॉलेज, अगर हमें छुट्टी लेनी है तो हमें हायर अथॉरिटी को एप्लीकेशन में रीजन बताना जरूरी होता है, ताकि हम सुकून से अपनी छुट्टी एंजॉय कर सकें। लेकिन अगर कोई ऐसा ना करे क्या हो सकता है, ये आपको इस फैक्ट को जानने के बाद पता चल जाएगा। असल में एम्प्लॉय देश बंधु पांडे नाम के शख्स ने केबीसी 13 में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन रेलवे को एक लीव एप्लीकेशन दी, जिसमे इन्होंने ना ही रीजन साफ बताया बल्कि अपना काम भी पूरा नहीं किया, और जा पहुंचे केबीसी 13 की हॉट सीट पर, जिसके बाद इंडियन रेलवे को इस बात का पता चलते ही इन जनाब का 3 साल के लिए सैलरी इंक्रीमेंट रोक दिया गया। अब ये तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और प्लेट तोड़ी 12 आने की। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों स्मार्टफोन के इस डिजिटल जमाने में इंसान इतना एडवांस हो गया है कि वो हर काम गूगल बाबा और यूट्यूब अंकल की मदद से करना जानता है। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। असल में हो सकता है कि आपको ये जानकर झटका लगे, क्योंकि तमिलनाडु में 34 साल के लोगनाथन नाम के एक शख्स ने अपनी 28 साल की बीवी की डिलीवरी यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख कर कर डाली। लेकिन लोगनाथन का अपनी बीवी के साथ किया हुआ ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फ्लॉप रहा, क्योंकि होने वाला बच्चा दुनिया को देखने से पहले ही छोड़ गया। है ना अजीब, लेकिन डरावना भी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, और इसलिए खुद सिगरेट कंपनियां भी पैकेट के ऊपर वार्निंग छाप कर बेचती हैं, ताकि वो अपना बिजनेस धड़ल्ले से करते रहें और जो शौकीन है वो अपने रिस्क पर सिगरेट पीते रहें। लेकिन ज्यादातर लोग सिगरेट पीना कम उम्र से ही सीख जाते हैं, और मैं आज आपको इंडोनेशिया के सूखा भूमि में रहने वाले एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत छोटी सी उम्र में चेन स्मोकर बन गया। जी हां, ये है रपी अनंदा पामुंग का, जिसकी उम्र महज 2 साल है, और ये बच्चा एक दिन में ही 40 सिगरेट पी जाता है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि अगर इस बच्चे को इसकी माँ सिगरेट खरीद करना थी तो ये बच्चा अपनी माँ की खूब पिटाई भी करता है। असल में इस बच्चे की माँ का कहना है कि वो इसकी आदत से बेहद परेशान है, लेकिन रपी है कि सिगरेट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अभी तक आपने कई तरह की फाइट्स और रेसलिंग देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां हाथ पैर से नहीं बल्कि तकियों से फाइट की जाती है। असल में फ्लोरिडा में कुछ इस तरह की पिलो फाइट को बहुत बड़े स्केल पर करवाया जाता है, और अमेजिंग बात तो ये है कि इस फाइट को जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसे पर मंथ इंडियन करेंसी के हिसाब से 15 लाख रुपए की फीस दी जाती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग यूं ही मेहनत कर रहे हैं, अब बस अपने घर के सारे तकिए उठाओ और अपना लो पैसे कमाने का नया तरीका। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने होटल्स तो खूब देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा भी होटल है जो है सबसे महंगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। असल में मालदीव में बना मुराका नाम का ये होटल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के अंदर बना हुआ है, जिसकी गहराई करीब 16 फीट है, जिसे बनाने में 108 करोड़ रुपए का खर्चा आया। और इस होटल में एक रात की ठहरने की कीमत इतनी है कि आप इतने रुपए में एक अच्छे खासे फ्लैट या जमीन के मालिक बन सकते हैं, या फिर मर्सिडीज कार खरीद सकते हैं। इस होटल में 4 रातों का पैकेज $2 लाख यानी करीब 1.4 करोड़ रुपए का है। इसके हिसाब से एक रात का किराया 36 लाख रुपए होता है। लेकिन खराब बात यह है कि यहां एक रात रुकने की सुविधा नहीं है बल्कि पूरा पैकेज ही लेना जरूरी है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने सोनी कैमकॉर्डर को तो खूब चलाया होगा, लेकिन क्या आपको
पता है कि सोनी का ये शानदार प्रोडक्ट अचानक मार्केट से लुप्त तो क्यों हो गया? असल में इसकी बड़ी वजह ये थी कि इसका इंफ्रारेड फीचर, जिसकी वजह से ये कैमरा फोटो खींचते वक्त न सिर्फ वो बाहर से तस्वीर लेता था बल्कि इंसान की बॉडी का एक्सरे ये कपड़ों के अंदर से भी करता था। लेकिन जैसे ही यूजर्स को इस बारे में पता चला तो लोगों ने इसके बंद होने की मांग कर दी, जिसके बाद कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। फैक्ट नंबर एक, दोस्तों वैसे तो सांप का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, और अभी हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को सांप ने काट लिया था। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा ये लड़का वाकई बहादुरी की मिसाल है, जिसने एक हट्टे कट्टे अजगर को अपने ही गले की माला बना लिया। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।